गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सोमी। सो गाइस बहुत दिन बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी, तो इसलिए मैं बहुत दिन से कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। सो इसलिए आप लोग मेरी नया वीडियो मेरी चैनल पे नहीं देख पा रहे हो। सो गाइस फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो गाइस आज मैं जो वीडियो करने जा रही हूँ वो एक रिव्यू वीडियो है, एंड आज मैं जो प्रोडक्ट की रिव्यू करूंगी वो है एवरयूथ की गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। सो गाइस अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इस पील ऑफ मास्क की रिव्यू करने के साथ साथ इसकी डेमो भी दिखाऊंगी। सो फर्स्ट बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो ये है प्लास्टिक ट्यूब पैक एंड इसकी जो कैप है वो स्टाडी प्लास्टिक की है। इस तरह से ओपन करते हैं एंड सो फास्ट बात करते हैं, तो इसके ऊपर लिखा है एवरयूथ नेचुरल एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क विथ 24 कैरेट गोल्ड, एंड यह है 50 ग्राम्स की पैक है। इसकी जो प्राइस है वो 70 रुपीज, ऑनलाइन आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा एंड आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया है मेरी लोकल शॉप से। सो यहाँ पे लिखा है इसकी आप किस तरह से इसको यूज करेंगे, ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन फॉर यूज दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है वॉश योर फेस, पैट स्किन ड्राई, apply an even layer over your face avoiding delicate areas like the eyes and the mouth, do not apply a very thin layer as it will not peel off evenly, let it dry for 15 minutes, peel off from forehead in a downward direction towards the chin, wash off if required। consistency main aapko dikhati hu। तो ये है एक्चुअल प्रोडक्ट, यू कैन सी। एंड इसमें आपको गोल्डन पार्टिकल्स दिखेगी। सो गाइस अब मैं इसकी एप्लीकेशन आपको दिखाती हूँ, देन मैं मेरी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
पील ऑफ मास्क को अप्लाई करने से स्किन पे थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन होता है एंड इसकी स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मुझे स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड इसको अप्लाई करके मैं 15 मिनट्स वेट किया था, देन 15 मिनट्स में मैं इसको अच्छे से 15 मिनट्स में इस मास्क पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ था, तो मैं इसको 20 to 25 मिनट्स इसको अप्लाई करके छोड़ दिया था, देन मैं इसको रिमूव किया हूँ। सो अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट मेरी स्किन पे देख पा रहे। पील ऑफ करने के टाइम मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ था, अच्छे से ही रिमूव हो गई थी। अगर आप ज़्यादा थीन लेयर इसको अप्लाई करते हो, इसकी ज़्यादा थीन लेयर अप्लाई करते हो तो रिमूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप इस करने से इस पील ऑफ मास्क को अप्लाई करने से मैं ज़्यादा ग्लो मेरे स्किन पे नोटिस नहीं किया हूँ, सिर्फ मुझे एक फ्रेश एंड क्लीन स्किन लग रही थी, मेरी स्किन फ्रेश एंड क्लीन लग रही थी एंड इससे फेशियल हेयर भी रिमूव नहीं हुआ था। सो अगर आपको कोई पार्टी में जाने से पहले एक डीप क्लीन एंड फ्रेश स्किन चाहिए मेकअप करने से पहले, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हो, परमानेंट ग्लोइंग स्किन चाहते हो इसको यूज करके, तो ये आई थिंक ज्यादा काम नहीं करेगी, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।